न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बहुत सालों पहले यह वादा किया था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सत्तर सालों में जो कमाई इस देश की थी, हमारी सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयां, हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, उसे अब मोदी सरकार बेचने जा रही है। और मोदी सरकार का यह दावा है कि उसके एवज में हमारी 6 लाख करोड़ की कमाई होगी। दो सवाल। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है? दूसरा सवाल कि क्या मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, और क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार के जो करीबी उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कुछ सालों पहले देश को वादा क्या किया था, सुनिए। मैं वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब ये खबर क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। निजी क्षेत्र को कमाई के लिए मिलेंगे सरकारी एसेट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की स्कीम की शुरुआत। आगे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयरहाउस, पावर ग्रिड पाइपलाइन जैसी सरकारी बुनियादी ढांचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाख करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसके लिए आज यानी सोमवार शाम को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो काफी कड़े तेवर अपना रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने 2 या 3 उद्योगपति मित्रों का साथ दे रही है, उनकी मदद कर रही है और कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये जो एसेट्स हैं, इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। राहुल गांधी अब आपको बताने वाले हैं इस मुद्दे पर कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र की इकाइयां हैं जिसके जरिए सरकार जो है अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा दे रही है, सुनिए। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां ये पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं, और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज।
1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीन कर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम एनएचपीसी एनटीपीसी एनएलसी, नेशनल गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन, किसको जा रहा है आप जानते हो, पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड एचसीएल की पाइपलाइन, टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के टावर्स, वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 करोड़, 25 एयरपोर्ट्स, किसको जा रहा है आपको मालूम, पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स, किसको जा रहा है आपको मालूम, स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। दोस्तों दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं, दिक्कत यह है कि निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि इससे जो हमारा बुनियादी ढांचा है वो बेहतर होगा। कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमन इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम देश के ढांचे को, बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए, देश के अंदर युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी है उसे दूर करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो लगाने वाले हैं। और ये पैसा कहां से आएगा, वो पैसा शायद इस 6 लाख करोड़ से भी होते हुए आएगा, ठीक है, क्योंकि निर्मला सीतारमन क्या कह रही हैं, बेहतर होगा बुनियादी ढांचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने 2021-2022 के बजट भाषण में दरअसल नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संपत्ति का मौद्रीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प बताया था। दिक्कत क्या है निर्मला जी, कि प्रधानमंत्री ने ये जो बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए पिछले 3 साल से वादा किया है और वो हर साल उसी वादे को दोहराते रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद सुनिए पिछले 3 भाषणों में जो उन्होंने लाल किले से दिए, उस वही बात को बार बार प्रधानमंत्री दोहराते रहे, सुनिए। हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस मुद्दे को लेकर आड़े हाथों लिया है मोदी सरकार को, और उन्होंने कहीं ना कहीं देश की जनता को याद दिलाई है उनके प्रधानमंत्री के भाषण को, क्योंकि प्रधानमंत्री किस तरह से उसी बात को दोहराते रहे हैं। क्या कहा वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने, आप सुनिए। वर्चुअली नो पब्लिक सेक्टर विल बी लेफ्ट आफ्टर दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो रिमेंबर that the maximum they hope to get is 1.5 lakh crore for 4 years. So they will get 6 lakh crore. And what did the finance minister say? This is coterminous with a national infrastructure pipeline. The national infrastructure pipeline was announced first by the prime minister on August 15, 2019, 100 lakh crore. He announced it again on August 15, 2020, 110 lakh crore. And he announced again on August 15, 2021, 100 lakh crore. He perhaps thought that nobody will remember that he announced it the previous year and the previous year. So he's announced it 3 times. I'm not going to multiply 100 lakh by 3 lakh and say 300 lakh crore. And you are collecting 6 lakh crore in 4 years to build a 100 lakh crore infrastructure. What arithmetic is this? इस मुद्दे पर कांग्रेस, दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बहुत हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने ये कहा है, खासकर राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैंने आपको चेतावनी दी थी कोरोना को लेकर, आप में से तमाम लोग मुझ पर हंस रहे थे, और आज देश के सामने पूरी स्थिति है। और अब भी दोस्तों हमारे सामने कोरोना की तीसरी लहर है। हम नहीं जानते हैं कि वो कब आएगी, कैसे आएगी, उसका कितना विकराल रूप होगा। राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस चीज की हमें याद दिला रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपतियों पति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह समझिए। निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल हम ये जो सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयां हैं वो हम उन्हें बेशक दे रहे हैं निजी क्षेत्र को, मगर उसका मालिकाना हक सरकार के हाथों में रहेगा। मगर दिक्कत की बात यह है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में लगातार फर्क हुआ है, और वो हम लगातार देखते रहे। इस कार्यक्रम में भी मैंने आपको बताया, इसलिए देश की जनता को पूरी तरह से एतबार करना बहुत मुश्किल होगा। क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने, आप खुद सुनिए। आई वॉन्ट टू शो यू अगेन अ स्लाइड विच अमिताभ शोड and which has been very clearly emphasized by Rajiv Kumar ji, that ownership of assets remains with the government. That was a slide shown, I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. दिक्कत की बात यह है दोस्तों, जब देश की जनता को पूरी तरह से भ्रमित कर लिया गया हो तालिबान के नाम पर प्रचार को लेकर, या फिर धर्म को लेकर, हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे को लेकर, तो इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। सरकार लगातार भ्रमित करने का इरादा रखती है और भ्रमित कर भी रही है, और काफी हद तक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया कभी भी सरकार को कटघरे में नहीं रखती, कभी भी इन मुद्दों पर बहस नहीं करती जो कि होना चाहिए, और ऐसे में ये मुद्दे कहीं ना कहीं गुम होकर रह जाते हैं।
न्यूज चक्र में बस इतना ही, अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।